और उनके बारे में जैसे बेसिकली मैं बताना चाहूँ कि शुरुआत जो की जब उन्होंने ऐसे ही मिले उनसे बात की, को खेती तो वो कर रहे थे, ऑर्गेनिक नहीं थी, पर उसके अलावा जैसे एक मॉडल होता है ना खेती का, कि खेती विभिन्नता वाला भी, जिसमें बहुत सारी फसलें थोड़ी जगह में लगाते, वो उसी तरह से कर रहे थे। तो फिर उन्होंने बीच में बहुत अच्छा उनका चल रहा था, धीरे धीरे मार्केटिंग भी ठीक हो रही थी, एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ। हम लोगों का तो कह लो कि हमें ऐसा लगा कि उसका बिल्कुल मन से भी वो टूट जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। उनके एक्सीडेंट से ये हुआ कि वो उनका हाफ पार्ट जो नीचे का है वो पूरा काम करना बंद कर दिया, वो व्हीलचेयर पे हो गए। एक साल तक उन्होंने ऐसे ही मतलब घर में रहे। हमें यही लगता था कि वो मन से ना टूट जाएं, बार बार मिलते रहे। फिर अंत में उन्होंने एक साल के बाद ये फैसला किया कि मैं अपनी खेती दोबारा से करूंगा और वो भी ऑर्गेनिक कुदरती करूंगा जैसे पहले करता था। जितना साथ हो सका सभी ने उसका दिया भी ये शुरू करे, पर उसका मनोबल बहुत ऊँचा था और उसने दोबारा से ये शुरू की। हमारे लिए बहुत ये अचंभे की बात थी कि एक आदमी जो दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाए और वो अपने लिए फिर इतनी बड़ा एक कि अपनी खेत में जाना उस हालत में और अपनी खेती शुरू करवाना, फिर उसके लिए मार्केटिंग, वो दोबारा से उसने वही काम सारे कर लिए और इतनी हालात उसके जो देखने में अगर देखा जाए कि वो बाथरूम लैट्रिन जहोर और सभी हैं, चल फिर भी नहीं सकता और ज़्यादा देर बैठने भी मुश्किल आती है। बरसात में भी अपने खेत में ऐसे रहता था, जब गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तपश थी, तब भी बिना पंखे के खेत में रह के काम करवाया उसने। और उसकी बहुत बड़ी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि उसने दोबारा से वही काम जो था उस पर वो पहुँच गया। और इस टाइम उसको बहुत से मतलब मीडिया ने उसको अप्रिशिएट किया उसके काम को, कि एक जो अच्छा वाला किसान है उसको भी, उसके लिए भी एक सेध बन गई कि हाँ भी उससे सीखने वाली बात होगी कि जो इंसान इस हालत में है अपने आप पे पूरा चल नहीं सकता, वो भी एक उस खेती को लेके इतना बड़ा काम कर रहा है और लोगों तक अब दोबारा होशियारपुर तक वो अपनी उस व्हीलचेयर से आ जाता है, जो बहुत छोटी सी है, बहुत मुश्किल भी होता है उसके लिए, लेकिन फिर भी वो यहाँ जो सेफ फूड मंडी लगती है होशियारपुर में, उस पर हर एक हफ्ते पूरा दिन आके जैसे 3-4 घंटे तक अपनी सेल करके जाता है और सभी काम है। जैसे उसका यही बात है कि वो उसके जो एक्सीडेंट था उसने उसका शारीरिक तौर पे तो चलो अपाहिज कर दिया, लेकिन मानसिक तौर पे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। हमें उससे भी ये सीखने को मिलता है कि कहीं छोटी मोटी चोट से भी कोई करता है, लेकिन वो इतना बड़ा होने के बाद, हादसा होने के बाद भी वो आज दोबारा उसकी हिम्मत पूरी तरह उसी तरह काम कर रही है और लोगों के लिए मिसाल बन रहा है दूसरे किसानों के लिए।